खिदमत आपकी दहलीज पर एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। सिस्टर कमिश्नर चूनिया रिजवान उल हक ने वजीर अला पंजाब की जानब से जारी करदा प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत महलावार सफाई सुथराई के मामलात को निपटाया जाएगा, जिसमें गली मोहल्लों की सफाई का बाकायदा आगाज असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की तरफ से कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी आवाम को आगाही फराहम की गई। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब राव जाहिद कयूम ने शिरकत की। इसके वाले से और अगर कोई इसमें वॉल चॉकिंग के वाले से इस चीज़ को रिमूव किया जाए और सेकंड वीक के अंदर जो है वो आपकी जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है और आपके जो सीवरेज सिस्टम है इसको क्लियर करना हमारे लिए सेकंड वीक का। थर्ड वीक के अंदर जो है वो हम उसके जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं उन गवर्नमेंट ऑफिस को उसकी सफाई सफाई होगी, जो मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ उसको बेहतर किया जा सकता होगा साथ ही प्लांटेशन की जाएगी। इसके अंदर हमने अपना कंट्रोल रूम जो है वो उस हवाले से रजिस्ट्रेशन के हवाले से उसके ऊपर हम मीडिया के ऊपर अपना जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हम शेयर कर देंगे। अगर किसी भी हमारे शहरी को किसी भी सीवरेज के वाले से सफाई के वाले से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से एक ऐप जो है वो भी उसके अंदर जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू PIT भी उसके ऊपर हमारे गूगल ऐप स्टोर के ऊपर मौजूद है, वो तमाम सारे फिर आम जो पब्लिक है वो भी अपने मोबाइल के अंदर उसको कर सकती है और आप पिक्चर उसके ऊपर खींच के उसको अपलोड कर देंगे ऑटोमेटिकली जिस भी इलाके की वो पिक्चर आप अपलोड करेंगे वो मुतलका अफसरान तक पहुँच जाएगी और विद इन 24 आवर्स जो है वो उसके जो ग्रीवेंस है उसको एड्रेस किया जाएगा। अच्छा सर, इसके साथ ही कोई नाला काफ़ी दूर तक जाता है, यानी कि चूनिया में तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है। आपने विजन किया है इस सिलसिले में, क्या जो आपने भी शामिल नाला जो है उसका मैटर जो है वो इरीगेशन डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया गया कि वो इसको उस हवाले से क्लियर करें क्योंकि इसके ऊपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हमने अपने सिटी एरिया को और अपने जो ड्रेन सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा सीवरेज का सिस्टम उसको हमने मेनटेन करना जो हमारे उसके बाद फिर इसके ऊपर टेकअप किया जाएगा।